अगर अपन YouTube वीडियोस के लिए इस तरह के इंट्रोज बनाना चाहते हैं जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक वीडियोस के ऊपर क्लिक किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब है और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से खूबसूरत से इंट्रोज बना सकते हैं और वो भी बगैर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हुए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जाके देखते हैं कि हम खूबसूरत से इंट्रोज किस तरह से बना सकते हैं। तो हम वेबसाइट ओपन कर लेंगे penzoid.com। ये इससे हमने पहले भी एक सब्सक्राइब एनिमेशन बटन बनाया था। तो ये वेबसाइट्स आप लोगों ने ओपन करने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है। तो ये देखेंगे, ये कुछ आप लोगों को स्टार्ट में ही इंट्रोज नज़र आ रही हैं। अगर आप लोगों को यहाँ से रेलिवेंट इंट्रोज ना मिले तो आप लोगों ने मोर क्रिएशंस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग लेटेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये और आप लोगों को कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ये इंट्रोज आप लोगों को नज़र आ रही हैं। ये इंट्रोज यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करके देख सकती हैं। और इसको आप लोगों ने क्लिक करने के बाद, जब आप लोगों ने इसके ऊपर, ये थोड़ा सा लोडिंग के ऊपर टाइम लेगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आई का बटन जहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आँख का निशान, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसको प्ले करके देखना है तो ये आप लोगों के लिए इस तरह का इंट्रो है। तो इस तरह से आप लोग बेशुमार इंट्रोज आप लोग यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। आप लोग फॉर एग्जांपल सर्च में लिखेंगे 3D और ये आप लोगों को बेशुमार यहाँ से 3D इंट्रोज ये देखें, जो आप लोगों को काफ़ी सारे आप लोग देखेंगे उनमें से जो आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये एक आप लोगों को इस वीडियो के लिए ये एक सेलेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और बाय द वे इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस टेम्पलेट का। और यहाँ पे जो आँख का निशान बना हुआ है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और इसको आप लोगों ने प्ले करके देखना है। तो ये आप लोगों को, अब हम इसमें अपने चैनल का नाम वगैरह ऐड करके देखते हैं कि हम लोग किस तरह से करना है। तो आप लोगों ने, मैंने पहले भी आप लोगों को जो एक सब्सक्राइब एनिमेशन बटन बनाना सिखाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको आप लोगों ने ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, जो काम की चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने करना ये है कि जहाँ पे भी आप लोगों को ये देखें जूअर नज़र आ रहा है, जूअर। अब आप लोग इसको अगर चलाएं तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है जूअर, एक है नेम। इसका मतलब है जो जूअर है वो हमारा फर्स्ट नेम है और जो नेम लिखा हुआ है ये हमारा लास्ट नेम है। तो जहाँ भी आप लोगों को जूअर नज़र आए तो वहाँ पर आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम लिख देना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर तैयब, ठीक है, ये फर्स्ट यहाँ पे, और यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है एक और यूर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉरी, क्योंकि ये भी फर्स्ट नेम की जगह है तो यहाँ पे भी मुझे तैयब रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने नीचे आना है और जिस जगह के ऊपर आप लोगों को नेम नज़र आ रहा है इसका मतलब है ये जो है हमारा लास्ट नेम है। तो इसको हम रखते हैं नकवी, एक जगह पे ये हो गया और एक और जगह पे है हमारे पास नकवी, एक और ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको अगर चलाएं तो ये देखें, अब हमारे पास जो ये एंड के ऊपर ये टोड़ी आ रही है इसके ऊपर कुछ नेम जो हमने लिखना है यहाँ पे देखें, ये कंप्लीट नेम लिखा हुआ है, ठीक है, योर नेम। तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपना कंप्लीट नेम रख देना है, तैयब नकवी, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा है इसके ऊपर भी आप लोगों ने रखना है तैयब एंड नकवी, सिंपल। अब आप लोगों ने इसको चला देना है, तो ये खूबसूरत सा आप लोगों के पास टेम्पलेट बन के आ रहा है। लेकिन इसमें एक मसला आ रहा है, जहाँ पे ये आ रहा है ये थोड़ा इसका विड्थ जो कि ज़्यादा है, तो आप लोगों ने यहाँ पे 2D के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसकी पोजीशंस को आप लोगों ने देखना है, जिस जगह के ऊपर आप लोगों को बेहतर लग रहा हो आप लोगों ने उस हिसाब से रख देना है। तो मुझे इतना यहाँ तक काफ़ी लग रहा है, मैं दोबारा चलाता हूँ इसको।
सिंपल, तो आप लोगों ने इसको स्टॉप कर देना। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अगर इस ये जो कलर्स हैं, अगर आप लोगों ने कलर्स इसके चेंज करने हो तो आप लोगों ने FX के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कलराइज के ऊपर क्लिक कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट कलर ये रखा गया है, अगर आप लोग रेड करना चाहते हैं तो इसको आप लोग चूज़ रेड के ऊपर कर दें। अब आप लोग इसको जब चलाएँगे तो ये ऑटो के ऊपर कुछ चीज़ें एडजस्ट कर लेगा, जहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये देखें, ये आप थोड़ा रेड, ये देखें रेड, और यहाँ पे तो ये आप लोगों के पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से कौन सा कलर यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं जो पहले रखा हुआ था वही रख देता हूँ, और यहाँ पे दोबारा आप लोग चला के देख सकते हैं इसको। तो अब आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे आप लोग इसका म्यूज़िक, यहाँ से आप लोग ऑडियो वगैरह, अगर आप लोगों के पास सिस्टम के अंदर से आप लोग ऑडियो को इसमें इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से सिलेक्ट ऑडियो, ऑडियो भी अपनी मर्ज़ी के लगा सकते हैं। तो एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के लिए यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कुछ फॉर्मेट हैं, तो ये MKV फॉर्मेट के अंदर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कि है, आप लोग अगर इसको चलाएँगे तो ये चल जाता है। यहाँ पे एक्सट्रीम क्वालिटी में मैं रखता हूँ क्योंकि ये रेंडर पे थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन आप लोगों को HD फॉर्मेट में डाउनलोड करके देता है। तो अगर आप लोग कि बाय डिफ़ॉल्ट ये चल जाएगा, अगर किसी वीडियो एडिटर में MKV फॉर्मेट नहीं चलता तो आप इसको MP4 में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन कन्वर्टर को यूज़ करते हुए, या सिंपल आप लोग VLC की मदद से भी MKV को कन्वर्ट कर सकते हैं MP4 फॉर्मेट के अंदर। तो वो मैं आप लोगों को उसका लिंक भी दे दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट वीडियो रेंडर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये आप लोगों को वीडियो का डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।